अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? बेटा ग्रुप में पूछे, आवाज आ रही है? मैं भाई ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? वालेकुम सलाम। चलें जी, गुड। पहले ही हम थोड़ा लेट हो गए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। कॉर्नरी आर्टरीज जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, अगर उनमें कोई प्लैक या थिरोमा उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उसकी कोई कॉर्नरी आर्टरी की डिजीज हो जाएगी, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्योंकि आपको पता है हार्ट इज अ वाइटल ऑर्गन, उसने जो है वो हर लम्हे पंप करना है। 7800 किलोमीटर जितना जो है ना, वो सारी ब्लड वेसल्स की लेंथ बनती है अगर हम उसको काउंट करें तो। जो है वो नेचर ने ऐसा पंप हमें प्रोवाइड किया है कि उसमें 24/7 वो ब्लड पंप करता है, ठीक है। तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का क्या मतलब है कि देर इज सम डिजीज, वेजोस्पैज्म या एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर कॉर्नरी आर्टरीज जो कि हार्ट की ब्लड सप्लाई है, उसकी मायोकार्डियम को, हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती है। हार्ट को ये सारा काम करने के लिए खुद भी तो हर वक्त ऑक्सीजन न्यूट्रिशन चाहिए ना, ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होनी चाहिए, तभी वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सकता है। तो कॉर्नरी आर्टरी की अगर ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो व्हाट विल बी द इफेक्ट्स? सो इट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक। ये अब क्या होता है, फाइब्रोफैटी प्लैक्स होते हैं, जो आपने पीछे हाइपरटेंशन के लेक्चर में भी देखे हैं। तो दे आर ऑल्सो मेक इन द इनसाइड द कॉर्नरी आर्टरीज एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस एंड लिपिड डिपॉजिट्स, एंड उसके बाद ये जो है वो कैल्सिफाई होके इतने हार्ड हो जाते हैं कि उसके बाद ये डिजॉल्व भी नहीं होते, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक, व्हेन दे ऑब्स्ट्रक्ट द कॉर्नरी आर्टरीज, दे ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम, एंड दैट विल रिजल्ट इन कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। फिर आगे से पहले इसके साथ अगर तो जो है वो जो सीक्वेंस है उसके साथ चले, पहले एंजाइना होगा, फिर एमआई होगा, उसके बाद एरिथमिया, सडन डेथ हो सकती है। लेकिन असल में बात यह है कि व्हेन द कॉर्नरी आर्टरी डिजीज अकर, तो कोई भी कॉन्सिक्वेंस उसका हो सकता है। कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ये जरा आप देख लें कि ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट है क्या। देयर आर टू कॉर्नरी आर्टरीज, राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, विच ओरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम द एओर्टा, ठीक है। एओर्टा जब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास से गुजरता है, डायरेक्टली एओर्टा से निकलती है राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, एंड दे सप्लाई द ब्लड टू होल ऑफ द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो है वो आपको नजर नहीं आ रही। ये लेक्चर को हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे खोल लेते हैं। ठीक है जी, अब सही नजर आ रहा है। तो कंडीशन कौन कौन सी इसके वजह से हो सकती है, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना मींस एंजाइनल इस्केमिक चेस्ट पेन, और पेक्टोरिस मीन पेक्टोरलिस मसल, से इस डिजीज को इस तरह से नाम दिया गया बिकॉज चेस्ट के ऊपर पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल्स होते हैं, तो दैट इज वाई चेस्ट पेन, एंजाइना पेन, एंजाइना पेक्टोरिस भी इसको कहते हैं। देन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उससे अगली स्टेज। एंजाइना में तो ये है ना कि ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए डिक्रीज हुई, पेशेंट को इस्केमिक पेन हुई, लेकिन फिर वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीव हो गई। वेजोस्पैज्म था तो वो वेसल रिलैक्स हो गई, तो ब्लड सप्लाई जो है वो नॉर्मल हो गई। और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक की वजह से अगर हो रहा था तो उस प्लैक तो उधर का उधर ही रहता है, लेकिन समहाउ उसने पूरा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया हुआ, 90% ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया हुआ, 30, 40, 50% ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ,
और पेशेंट को जब सडन एक्सर्शन करना पड़ी या इमोशनल स्ट्रेस उसने लिया, उस वक्त कार्डियक मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए जो कि वो नहीं दे सका। उस वक्त सिम्टम्स आए, पेशेंट ने रेस्ट किया, नाइट्रोग्लिसरीन ली, पेशेंट के सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए। तो ये तो होता है एंजाइना। फिर आगे से इसकी टाइप्स हैं जो हम पढ़ते हैं। लेकिन एम आई में क्या होता है कि कम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ ब्लड होता है। That will result not into only ischemia, it will result into infarction of the myocardial tissue which is being supplied by that particular branch of coronary artery. Johnsy coronary artery जो है वो उसमें obstruction है, वो complete obstruction होगी या nearly complete होगी, ठीक है, और ischemia के बाद infarction भी होगा, the particular part of myocardium will become dead और वो फिर उस तरह से function नहीं कर सकेगा जिस तरह से वो पहले करता था। देर विल बी हाइपोकाइनेसिया, उसकी जो वॉल मोशन है वो कम हो जाएगी जो कि एकोकार्डियोग्राफी पे नजर आएगी। एकोकार्डियोग्राफी क्या है? अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो एंजाइना, एम आई, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अलावा हार्ट फेलियर, तो जाहिर बात है जब ये एम आई हो जाएगा तो दैट कैन रिजल्ट इन टू हार्ट फेलियर, दैट कैन रिजल्ट इन टू सडन डेथ। एंड नंबर वन कॉज ऑफ एरिथमिया इज ऑल्सो मायोकार्डियल इंफार्क्शन और हार्ट अटैक। उर्फियाम में इसको हार्ट अटैक करते हैं। एरिथमिया क्या है कि हार्ट का एक नॉर्मल रिदम है, हार्ट का एक नॉर्मल रिदम है जिसको हम साइनस रिदम कहते हैं। अगर वो रिदम डिस्टर्ब हो जाए तो उसको हम एरिथमिया कहते हैं। दैट रिदम ऑफ द हार्ट इज नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल हार्ट रिदम इज इक्वल टू एरिथमिया, दैट आर रियली डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग। अच्छा जी, तो इसके बाद हम देखते हैं कि वट आर द टाइप्स ऑफ एंजाइना। तो पहली टाइप है स्टेबल एंजाइना, दूसरी है अनस्टेबल एंजाइना, तीसरी है वेरियंट या प्रिंस मेटल एंजाइना, ठीक है। स्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि हमें पता है कि पेशेंट जो है वो एंजाइना का पेशेंट है, ये अगर एक्सर्शन करेगा और ये अगर जो है वो इमोशनल स्ट्रेस लेगा, इमोशनल अपसेट में जाएगा, तो देयर कैन बी प्रेसिपिटेशन ऑफ एंजाइना सिम्टम, तो इस पर एंजाइना सिम्टम्स हो सकते हैं। इट इज प्रिडिक्टेबल, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसको कि अगर पेशेंट इमोशनल स्ट्रेस लेगा या अगर पेशेंट नॉर्मल से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो मायोकार्डियम को इंक्रीज ब्लड सप्लाई चाहिए, वो नहीं जा पाएगी और पेशेंट एंजाइना सिम्टम्स फील करेगा। पेशेंट विल एक्सपीरियंस द सिम्टम्स ऑफ एंजाइना विच इज चेस्ट पेन और जो भी आगे हम सिम्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेस्ट से, जीटीएन से, नाइट्रोग्लिसरीन से ये रिलीव होता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है। 5 से 10 मिनट से ज्यादा इसकी पेन नहीं होती, जो पेन 10 मिनट्स का स्पैन क्रॉस करती है वो फिर एम आई है, वो फिर एंजाइना नहीं है, और जो पेन घंटों होती रहती है वो फिर एम आई नहीं है, वो फिर मस्कुलर पेन, ठीक है। तो इस तरह से आप 15 मिनट्स का इंटरवल, वो कहीं 5 मिनट, कहीं 10 मिनट, कहीं इस तरह डिफरेंट बुक्स में ये थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मतलब यही है कि इससे ज्यादा अगर पेन हो रही है तो यू शुड रश टू द मेडिकल इमरजेंसी। इससे ज्यादा आप उसको एनजीसेट के नाम से टेबलेट आती है, ANGISED टेबलेट, एनजीसेट, ठीक है, ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट उसमें होता है, और अप टू 3 डोजेस आप दे सकते हैं 5-5 मिनट के वक्फे से। ये हम खैर इसके ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे। तो उसको और पेशेंट रेस्ट करे तो उसको ये चीज रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो ये जो है वो प्रिडिक्टेबल है, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इमोशनल स्ट्रेस आएगा तो इसके सिम्टम्स आएंगे, या फिर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो एक नॉर्मल से ज्यादा होगी, पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ेगा या भागे दौड़ेगा या एक्सरसाइज करेगा, तो ये सिम्टम्स इसकी आ सकती हैं। दूसरी जो टाइप है अनस्टेबल एंजाइना, उसका फिजिकल एक्टिविटी या इमोशनल स्ट्रेस मिनिमम अमाउंट जो है, मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी और मिनिमम इमोशनल स्ट्रेस भी जो है इसको प्रेसिपिटेट कर सकता है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हर दफा जब इसका अटैक आता है अनस्टेबल एंजाइना का, तो वो पिछले अटैक से ज्यादा सवियर होता है और पिछले अटैक से जल्दी जल्दी आता है, यानी फ्रीक्वेंसी और सिवेरिटी दोनों टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं। तो दोनों को ही इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, लेकिन अगर अनस्टेबल एंजाइना हो तो उसकी एंजियोग्राफी करना जल्दी ज्यादा जरूरी है, ताकि देखा जाए कि वेसल्स में कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है, कितनी वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कितनी है, और उसका फिर क्या हो सकता है, स्टेंटिंग हो सकती है या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये इवन इट कैन अकर एट रेस्ट, ठीक है, यूजुअल एफर्ट के साथ, लेस देन यूजुअल एफर्ट, यानी रूटीन फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए भी, सो इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल, ठीक है। और ईच एंड एवरी अटैक विल बी मोर सिवियर एंड इट विल कम अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो इस तरह से इट इंटरफेयर्स विद द पेशेंट लाइफ स्टाइल, ये फिर उसके ऑफिस वर्क या जो भी उसकी जॉब्स हैं जिस तरह की भी, उनके साथ इंटरफेयर करता है, इसके साथ अपनी जॉब हेल्दी स्टाइल में कंटिन्यू नहीं रख पाएगा, इसको इन्वेस्टिगेट करना और ज्यादा जरूरी है। तीसरी टाइप क्या है? वेरिएंट एंजाइना, जिसको प्रिंस मेटल एंजाइना भी कहते हैं। इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता, इसमें वैसोस्पैज़म होता है, और ये बिल्कुल इसका कोई फिजिकल एक्टिविटी से या स्ट्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ज्यादातर रात को होता है,
और अचानक बस पेशेंट को एंजाइना सिम्टम्स आते हैं. इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल. सिर्फ एक ये बात है कि ये एक ही टाइम के ऊपर होता है, जब भी होता है, ज्यादातर ये नाइट टाइम पे होता है. और इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल. इट इज ड्यू टू वेजोस्पैज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज. नो एथ्रोमा इज इन्वॉल्व. वेजोस्पैज्म होता है वो ठीक होता है तो इसके सिम्टम्स रिलीव होते हैं. ठीक है. इट इज कॉज्ड बाय द कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पैज्म. वेजोस्पैज्म जो है वो रिलीफ होता है तो इसके सिम्टम्स भी रिलीफ हो जाते हैं. ठीक है. मोस्टली ये एक ही टाइम पे, डे का जो एक ही टाइम है उसके ऊपर होता है. और यूजली एट नाइट टाइम पेशेंट विल एक्सपीरियंस वेरिएंट एंजाइना. तो ये एंजाइना की थर्ड टाइप है. अब एंजाइना है या MI है तो उसमें जो है वो उसके सिम्टम या उसकी कॉजेस क्या है. तो नंबर वन कॉज तो है एथेरोस्क्लेरोसिस. नंबर वन कॉज तो है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस. इसके अलावा फैक्टर्स इंक्रीजिंग प्री लोड एंड फैक्टर्स इंक्रीजिंग आफ्टर लोड. अब प्री लोड क्या है कि जब हार्ट जो है वो डायस्टली में डायलेट किया है, अब आगे उसने सिस्टली में उस ब्लड को पंप करना है, तो वो जो एंड ऑफ डायस्टली पे सारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड अंदर जमा हुआ है, दैट इज प्री लोड. ठीक है. वो सारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड जिसको अब उसने पंप करना है, ज्यादा से ज्यादा जितना ब्लड हार्ट ने जमा कर लिया डायस्टली में, एट द एंड ऑफ डायस्टली जितना उसने ब्लड है, दैट इज कॉल्ड प्री लोड. वो प्रीलोड किस में ज्यादा होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म में ज्यादा होगा, एक्सरसाइज में ज्यादा होगा, एनीमिया में ज्यादा होगा. एक्सरसाइज में कैसे ज्यादा होगा कि अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द हार्ट बढ़ जाएगा ना, उसका पंपिंग एक्शन और हर चीज. ताकि एक्सरसाइज में क्या है, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज है, हमारी बॉडी की ऑक्सीजन नीड्स ज्यादा है, उनको फुलफिल करने के लिए कार्डियक आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा हमारे हार्ट को. वो कैसे बढ़ाएगा कार्डियक आउटपुट? ऑब्वियसली हार्ट रेट भी ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन ज्यादा होगी, इस तरह करके वो अपना जो है वो कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट का क्या मतलब होता है कि एक मिनट में हार्ट जो है वो कितना ब्लड पंप करता है. ठीक है. तो एक्सरसाइज में ये चीज ज्यादा हो जाती है. हाइपरथायरॉयडिज्म में भी जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है T3 T4 ज्यादा हो जाते हैं ना हाइपरथायरॉयडिज्म में. थायरॉयड जो हॉर्मोन्स हैं दे आर इंक्रीज्ड इन हाइपरथायरॉयडिज्म. T3 T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है. उनका क्या फंक्शन होता है कि दे इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट एंड दे इंक्रीज द हार्ट रेट. तो इससे भी प्री लोड ज्यादा होता है. एनीमिया है तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है बॉडी में, इसलिए उसी हीमोग्लोबिन को हार्ट बार बार पंप करके, तो उसी ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए उसी हीमोग्लोबिन को बार बार यूज करता है, जिससे हार्ट रेट ज्यादा होता है, प्री लोड ज्यादा होता है. ठीक है. आफ्टर लोड का क्या मतलब है कि जिन ब्लड वेसल्स में हार्ट ने ब्लड को पंप करना है उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, एओर्टिक स्टेनोसिस तो नहीं, हाइपरटेंशन तो नहीं, उसमें आगे से कोई रुकावट तो नहीं. अगर ऐसा है तो कार्डियक मसल्स को उस उन ब्लड वेसल्स में पंप करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो हम कहेंगे कि आफ्टर लोड ज्यादा हो गया. एक बिल्कुल रिलैक्स ब्लड वेसल्स है उनमें ब्लड को पंप करने के लिए तो हार्ट को एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स लगानी है, तो आफ्टर लोड ज्यादा नहीं है. लेकिन ऐसे ब्लड वेसल्स जिनमें हाइपरटेंशन है या एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से आगे से ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस सूरत में हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, तो हम कहेंगे कि आफ्टर लोड जो है वो ज्यादा है. इसको इस डायग्राम से आप बेहतर समझ सकते हैं. ठीक है. प्री लोड क्या है? एट द एंड ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टली एंड डायस्टोलिक प्रेशर को हम प्री लोड कहते हैं. ठीक है. और इट इज इंक्रीज इन द कंडीशन एज वी ऑलरेडी मेंशन. आफ्टर लोड क्या है? रेजिस्टेंस द लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट ओवरकम टू सर्कुलेट द ब्लड इन टू ब्लड वेसल्स. ठीक है. वो रेजिस्टेंस जो हार्ट को मस्ट ओवरकम करनी है सो एज टू पंप इफेक्टिवली द ब्लड इन टू द ब्लड वेसल्स. तो आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, कार्डियक वर्कलोड इंक्रीज होगा. प्री लोड इंक्रीज होगा, कार्डियक वर्कलोड इंक्रीज होगा. एंड दीज कंडीशंस कैन रिजल्ट इनटू एंजाइना पेक्टोरिस. ठीक है. तो एथेरोस्क्लेरोसिस भी है और उसके अलावा हार्ट के ये सारे अपने प्रॉब्लम्स भी हैं या सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर. क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? हैवी प्रेशर, बाज लोग बर्निंग सेंसेशन बताते हैं, बाज लोग हैवी प्रेशर बताते हैं, बहुत कम लोग पेन बताते हैं. और ये जो एंजाइना की पेन होती है ये प्रीकॉर्डियम पे नहीं होती, हाँ चेस्ट के ऊपर नहीं होती. प्रीकॉर्डियम क्या है? द एरिया ऑफ द चेस्ट ओवरलेइंग द हार्ट, वहां पे नहीं होती. ये अलोंग द स्टर्नम होती है एंड इट रेडिएट्स टू लेफ्ट नेक, जॉ, लेफ्ट आर्म, बैक ऑफ शोल्डर, इन सब को ये रेडिएट करती है. ठीक है. और बाद लोगों को सिर्फ बैक पे ही पेन आती है. बहुत सारे एंजाइना MI के पेशेंट होते हैं जिनको इंटरस्कैपुलर पेन होती है, उनको फ्रंट पे पेन होती नहीं. या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, दे कंसिडर इट एज स्टमक अपसेट एंड दे कम आउट एज पेशेंट्स ऑफ MI. ठीक है. तो हर तरह की जो चीज है इसमें आपने उसको इन्वेस्टिगेट कर लेना. ठीक है. करना क्या है? एक कार्डियक एंजाइम्स ही करानी है ना, अगर वो पॉजिटिव है तो MI है. ठीक है. तो ये हमें पता होना चाहिए.
एनीहाउ ऑनसेट और लोकेशन चेस्ट पे या राइट और लेफ्ट आर्म्स को रेडिएट करती है, शोल्डर और नेक, तो चेस्ट में अलोंग द स्टर्नम होती है ये, ठीक है। ड्यूरेशन यहाँ पे लेस देन 5 मिनट्स लिखा हुआ है, कहीं पे 10 मिनट्स लिखा हुआ है। और एसोसिएटेड फीचर्स इसके इंपॉर्टेंट हैं कि इसके अलावा, पेन के अलावा पेशेंट क्या फील करता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो सकती है, पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है, पेशेंट को पेल्पिटेशन, पेल्पिटेशन का क्या मतलब होता है, अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट। पेशेंट क्या कहेगा, डॉक्टर साहब मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कता है, तो ये सारे सिम्टम्स। इसके अलावा डिजीनेस और स्वेटिंग, फेंटनेस, ये सारे सिम्टम्स जो है वो पेशेंट को आ सकते हैं। स्टेबल एंजाइना ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट और रेस्ट से रिलीव होगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता तो MI हो सकता है, तो मेडिकल इमरजेंसी में लेके जाना है पेशेंट को। और एग्रेवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर हर पेन के होते हैं, इसी तरह इसके रिलीविंग फैक्टर क्या है, एग्जर्शन करेंगे उस दौरान पेन ज्यादा होगी, एक्सरसाइज करेंगे ज्यादा होगी, हैवी मील से, इमोशनल अपसेट से, एंगर से, इन सारी चीजों से। ऑब्वियसली यही प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं और यही एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं। पेशेंट अगर इनको अपनी एक्टिविटी जो कर रहा है वो परफॉर्म करता रहेगा, ठीक है, ड्राइविंग कर रहा है तो करता रहेगा, उसको चाहिए कि वो कोई हेल्प सॉर्ट आउट करे, लेकिन जाहिर बात है लोग करते रहते हैं, तो उससे फिर ये ज्यादा भी हो सकता है। एनी हाउ मायोकार्डियल इन्फेक्शन का क्या मतलब है, मायो मीन्स मसल, कार्डियम कार्डियक मसल्स, और इन्फेक्शन का क्या मतलब है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से टिश्यू डेथ। जाहिर है ब्लड सप्लाई एक सर्टन टाइम तक आप कम रखेंगे ब्लड सप्लाई, तो इस्कीमिया के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, इस्कीमिया होगा। और अगर उस टाइम पीरियड से ज्यादा ज्यादा देर तक ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट रहती है, तो देयर विल बी द रिजल्ट क्या होगा उसका, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डेथ ऑफ अ टिश्यू ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मायो का क्या मतलब है, कार्डियक, मायोकार्डियम का क्या मतलब है कि कार्डियक मसल्स, और इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि डेथ ऑफ अ टिश्यू ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। इसको आम जुबान में हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, ठीक है। कॉरोनरी आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेज है, ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जब ज्यादा एरिया को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो दैट विल रिजल्ट इनटू, दैट कैन रिजल्ट इनटू हार्ट अटैक। और अगर पेशेंट को पहले एंजाइना के सिम्टम्स आ जाएं, पेशेंट एंजियोग्राफी करवा ले, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड वेसल्स की नजर आ जाए, तो स्टेंटिंग वगैरह हो सकती है। और जिनकी ट्रिपल वेसल डिजीज होती है, यानी जिनकी 3 या उससे ज्यादा वेसल्स ब्लॉक होती हैं, उनको फिर बाईपास सर्जरी एडवाइस की जाती है। आगे फिर पेशेंट की मर्जी है, जरूरी नहीं है कि फिर आप प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं और फिर आप अपना डिसीजन करते हैं, ठीक है। मसल्स बिकम डेड ड्यू टू प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल सेल्स, दैट विल रिजल्ट इनटू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब ये इस आर्टरी में ब्लॉकेज है ना, और ये ब्लॉकेज जो है ये रिलीव नहीं हुई काफी देर तक, तो इट विल रिजल्ट इनटू, अब ये जो एरिया ये डेड हो जाएगा, और इस तरह कार्डियक रप्चर भी हो सकता है, बड़ा इन्फार्क्ट भी बन सकता है, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो कार्डियक रप्चर और कार्डियक रप्चर के रिस्क को कम करते हैं, बीटा ब्लॉकर दिए जाते हैं हार्ट अटैक में, और वो इन्फार्क्ट साइज को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, ये फायदा होता है। ये जो एरिया है इसका हाइपोकाइनेसिया हो जाएगा, बाकी हार्ट नॉर्मल पंप करेगा और ये एरिया नॉर्मल पंप नहीं करेगा, बिकॉज इट इज डेड नाउ। अच्छा जी, तो इसके बाद साइन एंड सिम्टम जो है वो पीछे हमने एंजाइना के पढ़े, इसके क्या है कि सबसे ज्यादा तो इसका साइन जो है वो पेन, लेकिन डायबिटिक को MI की पेन नहीं होती। डायबिटिक को इन्वेस्टिगेट करते हुए आपने और विजिलेंट रहना है, डायबिटिक पेशेंट्स को MI की पेन नहीं होती, न्यूरोपैथी होती है ना, तो पेन नहीं होती। जैसे उनके आप प्रोलॉन्ग डायबिटीज में आप फुट पे सेंसेशन चेक करें तो नहीं आती, क्योंकि फुट पे पेन और टच सेंसेशन, पेन से सेंसेशन जो है वो सबसे एंड पे, न्यूरोपैथी यानी नर्व बिल्कुल ही जब डैमेज हो जाती है उस वक्त न्यूरोपैथी। शुरू के सिम्टम्स क्या होते हैं, बर्निंग इन लेग एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मरीज कहता है मेरे हाथ पांव जलते हैं, तो वो क्या है, न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं। होते होते फिर जो सेंसेशंस हैं वो लॉस हो जाती हैं, प्रोलॉन्ग अनकंट्रोल्ड आती है, कंट्रोल रखेंगे तो फिर ठीक रहता है। अच्छा, हार्ट अटैक में क्या होता है, तो पेन इसका एक सिम्टम है, डायबिटिक्स में पेन नहीं होती, और पेन के अलावा जो है पेशेंट कहेगा कि एक एलिफेंट सिटिंग ऑन माई चेस्ट है, इतना प्रेशर है, कोई टाइट बैंड राउंड चेस्ट है। पेन के अलावा ये सिम्टम्स भी पेशेंट जो है वो रिपोर्ट कर सकता है, तो टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट या पेन। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस, टायर्डनेस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, इतना कि सर से लेके पांव तक पेशेंट पसीने में शराबूर हो जाता है, बाज दफा पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करता है। नॉजिया, वॉमिटिंग किसी भी सिवियर पेन में होती है, MI की पेन बहुत सिवियर होती है, जाहिर है इन्फेक्शन है, इस्कीमिया, इस्कीमिक पेन वैसे ही सिवियर होती है। बर्न, लेबर पेन और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये वन ऑफ द ये वर्स्ट पेन्स हैं दुनिया में जो नोन है, बर्न की पेन, लेबर पेन और ये जो है। अच्छा, नॉजिया वॉमिटिंग किसी भी पेन में होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। तो पेन के अलावा हैवी, वेरी हैवी प्रेशर के अलावा, टाइट बैंड अराउंड द चेस्ट के अलावा,
दीज कैन बी द एसोसिएटेड सिम्टम. इसके अलावा पेशेंट को बड़ी एंजाइटी होती है, इसीलिए हम उसको एंजियोलिटिक मॉर्फिन इंजेक्शन देते हैं ताकि पेन भी कम हो, एंजाइटी भी कम हो, सेडेशन देते हैं. ठीक है, अच्छा जी. उसके अलावा एक टर्म है एक्यूट कॉरोनरी. MI की टू टाइप्स हैं, ST elevation MI और non-ST elevation MI. Non-ST elevation MI है तो MI, लेकिन थोड़ा कम डेंजरस है, उसमें कार्डियक जो इन्फेक्शन है वो जरा कम होता है. ठीक है, और मोर डेंजरस MI. सिर्फ स्टेबल एंजाइना नहीं आता, बाकी जो कंडीशन है अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एस टी एलिवेशन एम आई और एस टी एलिवेशन एम आई, ये एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम है, यानी ज्यादा डेंजरस कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इसमें आती है. ठीक है, एक नॉर्मल कॉर्नरी आर्टरीज में कोई एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है, इस तरह हमें क्लियर नजर आएगी एंजियोग्राफी के ऊपर, उसका उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो वैसी नजर आएगी. छोटा सा एथेरोमा बनना शुरू हुआ है अभी, तो अभी इतनी सारी ल्यूमन जो है उसमें ब्लड सप्लाई ठीक जा रही है, ये 10-20% ऑफ ल्यूमन है, इसको वो कवर कर लेगा, इस पर हमें कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, लेकिन एथेरोमा मौजूद है. अब ये जो है इसका साइज जो है एथेरोस्क्लेरोसिस का बढ़ गया. ठीक है, यहाँ पे फिर भी काफी ब्लड 50% ऑफ द ल्यूमन इज ब्लॉक्ड. ठीक है, तो अब इसमें स्टेबल एंजाइना के सिम्टम्स आएंगे. अच्छा, अब आपको पता है कि ब्लड का काम है बहना, जहां पे वो रुकेगा, जहां स्टेसिस होगा वहां क्या होगा, क्लॉटिंग होगी, तो इस पे प्लेटलेट्स आके जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे. प्लेटलेट्स कहेंगे यहाँ पे ब्लड थोड़ा रुकेगा ना थोड़ी देर के लिए, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होना शुरू हो जाएगी और फिर उसके ऊपर थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाएगा, और ये प्लैक जो है वो पूरा रप्चर भी करके तो पूरी ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकता है. जब प्लेटलेट प्लग बनना शुरू होगा तो अनस्टेबल एंजाइना के सिम्टम्स पेशेंट फील करेगा. जब उसके ऊपर थ्रोम्बस बन जाएगा तो फिर नॉन एसटी एलिवेशन एमआई हो सकता होगा. ठीक है, और जब पूरी ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, इतना बड़ा ये जो एथेरोमा ये भी रप्चर कर गया और इसके ऊपर सारे प्लेटलेट्स और थ्रोम्बस और आके सारे क्लॉटिंग फैक्टर लग गए, पूरी ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, तो ये क्या करेगा, एसटी एलिवेशन एमआई. आगे हम ईसीजी में देखते हैं कि एसटी एलिवेशन क्या होती है और नॉन एसटी एलिवेशन क्या होती है. तो ये इनसाइड पिक्चर होगी जो है वो एसिम्प्टोमेटिक केस में, बिल्कुल नॉर्मल केस में, स्टेबल एंजाइना में, अनस्टेबल एंजाइना में, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में और एसटी एलिवेशन एमआई में कॉर्नरी आर्टरी की अंदर से ये पिक्चर होगी. ठीक है, अब आपको समझ आ गई. अच्छा जी, ये आपको पता तो है, लेकिन टू रिवाइज सम ऑफ द नॉलेज फ्रॉम फिजियोलॉजी, PQRST कॉम्प्लेक्स, कार्डियक साइकिल, सिस्टली प्लस डायस्टली, और ईसीजी के ऊपर ये कैसे नजर आएगा, PQRST. अच्छा, अब अगर आपसे वाइवा में पूछें कि पी वेव कैसे बनती है, तो दैट इज ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. QRS कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. ठीक है, पी वेव क्यों बनती है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि बेसिक ईसीजी जो है वो चेंजेस आप टी वेव इन्वर्जन देख सकें, एसटी एलिवेशन देख सकें. ठीक है, तो और एसटी डिप्रेशन देख सकें. ठीक है, ये होती है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन. ईसीजी मेड इजी बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं या आप गूगल पे पढ़ सकते हैं. ये है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन. ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि इमरजेंसी में एक हफ्ता लगाए. ठीक है, तो हर वक्त ईसीजी हो रही होती है, वो उनको लोग पढ़ रहे होते हैं, तो आप भी पढ़ें. अच्छा जी, तो ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जो है इसके ऊपर एक्टिविटी ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है. अगर इस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से ये लाइन ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव एक्टिविटी है, नीचे जाएगी तो नेगेटिव एक्टिविटी है. तो कुछ वेव्स हैं जो पॉजिटिव हैं, कुछ हैं जो दोनों हैं, नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं. यानी पी वेव जो है वो एक पॉजिटिव वेव है, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर जा रही है लाइन. टी वेव भी एक पॉजिटिव वेव है. ठीक है, तो अगर ये टी वेव जो टी वेव की इन्वर्जन होगी तो वो फिर नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, और वो एबनॉर्मैलिटी है. अच्छा, QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो बायफेजिक है, उसमें पॉजिटिव वेव भी है R वेव और जो है वो नेगेटिव सेगमेंट भी है, तो ये क्या है, बायफेजिक. ठीक है, तो ये PQRST कॉम्प्लेक्स, ये ECG का एक जो है वो नॉर्मल कार्डियक साइकिल एक दफा जो है वो उसको इतना सेगमेंट प्रेजेंट करता है. ठीक है, अच्छा अब इसको हम चलिए, पहले ये स्लाइड आ गई है, ECG चेंजेस हम बाद में पढ़ते हैं.
रिस्क फैक्टर इसके लिए क्या होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल? नाम से जाहिर है कि जिनको हम हेल्प आउट कर सकते हैं, जिनको नहीं कर सकते, ठीक है। मॉडिफाइबल क्या है? स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ दें, ओबेसिटी है तो वेट कंट्रोल करें, डाइट है तो हेल्थी डाइट लें, लैक ऑफ एक्सरसाइज के इशू को एड्रेस करें। 30 मिनट्स वॉक पर डे इज मोर देन एनफ, जो बंदा करता है उसको लैक ऑफ एक्सरसाइज का इशू नहीं है। सीरम कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर लिपिडीमिया, ये हमें कैसे पता चलेगा? फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल पे। वो हम कैसे करेंगे? 12 बजे रात के बाद पेशेंट कुछ नहीं खाएगा, सुबह 8 बजे 9 बजे 8 से 10 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, सुबह उठ के पानी भी नहीं पिएगा और अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जाके करवाएगा। तो उस पर कोलेस्ट्रॉल लेवल, LDL लेवल, HDL लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल, ये 4-5 लिपिड्स जो हैं वो रिपोर्ट होंगे। HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, बाकी जो है वो बैड है, तो उसके लेवल्स अगर रेज्ड हैं तो लिपिड लोअरिंग ड्रग्स पेशेंट को देंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, 1-2 माह के बाद रिपीट करेंगे, बेहतरी आई है कि नहीं। बड़े बड़े पतले लोगों में हाइपर लिपिडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है, ये नहीं कि ये ओबेसिटी में ही होता है, उसके अलावा भी होता है, तो इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा। अच्छा जी, उसके अलावा डायबिटीज मॉडिफाइबल इस तरह से है कि टाइप 2 डायबिटीज है तो डाइट कंट्रोल से और मेडिकेशन से हम उसको कर सकते हैं। इधर भी क्यों लिखा हुआ है, कुछ लोगों को टाइप 1 डायबिटीज भी तो होती है ना, बच्चों को जो होती है टाइप 1, उनमें बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं है, जो है आपने बाहर से ही देना है, ठीक है। तो उसमें तो ये जो फैक्टर्स है इनको हम थोड़ा हेल्प आउट कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, अगर हम इनको बेहतर कर लें। दीज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स विल हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि इंक्रीजिंग एज का हम कुछ नहीं कर सकते, मेल जेंडर है उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फीमेल्स आर समवट प्रोटेक्टेड फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो प्री मेनोपॉजल में उनको प्रोटेक्शन होती है ब्लड प्रेशर पे, कार्डियक डिजीज पे, एथेरोस्क्लेरोसिस की फॉर्मेशन पे, ईस्ट्रोजन के अच्छे इफेक्ट्स हैं। लेकिन आफ्टर मीनोपॉज द रिस्क बिकम इक्वली मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो उससे पहले पहले वो थोड़ी प्रोटेक्टेड है। इंक्रीजिंग एज है, जेंडर एथनीसिटी है, मिडल ईस्ट के लोग, साउथ ईस्ट एशिया के लोग, दे आर मोर प्रोन हाइपरटेंशन, डायबिटीज बहुत है यहाँ पे। फैमिली हिस्ट्री आपकी फैमिली में जेनेटिक्स में है और डायबिटीज, तो दीज आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो जिनको आप कर सकते हैं उनको आप जरूर करें। इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट जो एंजाइना MI के साथ आएगा उसकी हमने क्या करनी है? ECG तो सब पेशेंट की कराते हैं ना, जो चेस्ट पेन के साथ, एटिपिकल चेस्ट पेन के साथ आते हैं पेशेंट, तो उनकी ECG कराते हैं ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG, जो हम ये नीचे थोड़ी डिटेल लिखी हुई है उसकी, ब्लड में उसके बाद जो है वो पेशेंट को स्टेबलाइज किया जा रहा होता है, जो भी है एंजाइना है, MI या उसकी इनिशियल ट्रीटमेंट की जा रही होती है, और साथ ही 10 cc ब्लड विड्रॉ किया जाता है फॉर डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन। उसमें हम क्या देखते हैं? फुल ब्लड काउंट या CBC तो हम हर डिजीज में कराते हैं, सो इसमें भी कराते हैं। यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी हम RFTs और LFTs कराना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता हमें कौन कौन सी ड्रग्स देनी है, वो जो है एंटी क्लॉट, क्लॉट ब्रेक करने वाली, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, वो देनी है, तो वो सारी कहाँ प्रोसेस होगी लिवर में, कौन एक्सक्रीट करेगा किडनी, तो लिवर और किडनी का फंक्शन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम LFT RFT कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, ठीक है, उसका भी रेलिवेंट है। कार्डियक एंजाइम्स हम कराएंगे फॉर डायग्नोसिस, ट्रोपोनिन T एंड ट्रोपोनिन I, बेड साइड किट्स मिलती हैं उन पे भी, वहां पे भी हो जाता है और लैब में भी हो जाता है, चंद घंटों में, 3-4 घंटों में रिजल्ट आ जाता है। अगर ट्रोपोनिन T या ट्रोपोनिन I, ट्रॉप T इसको बोलते हैं, पॉजिटिव है तो इट शोज के पेशेंट को मायोकार्डियल डैमेज, इन्फेक्शन जब होता है तो ये एंजाइम ब्लड में वो डैमेज टिश्यू निकालता है, डैमेज टिश्यू गिव्स दीज एंजाइम्स टू द ब्लड, उसको फिर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल लेवल इसका लेस देन 0.3 होता है, तो जिसका उससे ज्यादा हो उसको फिर MI हुआ है, ड्रॉप टी ट्रोपोनिन I। पुराने MI में CKMB और क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, इस तरह के दूसरे एंजाइम जो है वो रेज्ड होते हैं, लेकिन करंट अगर पेशेंट को MI चल रहा है, विदिन 24 आवर्स ये जो है पॉजिटिव आए, उसके बाद फिर ये पॉजिटिव नहीं आते, ठीक है। अगर उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट हो कि कल परसों मुझे चेस्ट पेन हुई थी तो वो आज आया, तो फिर नहीं, उस वक्त जब पेन में आया है 12 घंटे 24 घंटे ये पॉजिटिव आएंगे, एंड दे विल कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अच्छा जी, चेस्ट एक्सरे, अच्छा इसके अलावा सीरम MI लेज जो है वो, और CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, दे रिप्रेजेंट इन्फ्लेमेशन एनीवेयर इन द बॉडी। नॉर्मल लेवल होता है 5,
कोरोना में भी ये इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, ठीक है। तो जितनी ये रेज होगी उतना ही बॉडी में इन्फ्लेमेशन हम समझते हैं कि ज्यादा होगी। सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, दे आर द एक्यूट फेज प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन जो कि इन्फ्लेमेशन में बॉडी प्रोड्यूस करती है। ये कॉम्प्लिमेंटरी प्रोटीन C2 और C3, C2A? नहीं नहीं, ये सी रिएक्टिव प्रोटीन वो नहीं। हाँ जी, ये डिफरेंट है, एक्यूट फेज प्रोटीन है ये। अच्छा जी, इमेजिंग में चेस्ट एक्सरे हम क्यों कराना चाहते हैं? एक एक्सरे कराने से हमें कार्डियक शैडो मिल जाएगा, वो नॉर्मल है तो खुशी की बात है, वो डायलेटेड है तो हमें पता चल जाएगा कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है। कार्डियोथोरेसिक रेशियो हम देखते हैं, ये थोरेक्स का स्पैन है और ये कार्डियक स्पैन है, तो जो कार्डियक स्पैन है वो थोरेक्स के हाफ से कम होना चाहिए, ठीक है, तो उस पर कार्डियक शैडो हमें बहुत कुछ बताएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन क्या है, एको एंड एंजियोग्राफी। एक्को हर पेशेंट जो एमआई वाला ना उसकी की जाती है, क्यों? नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन है, आपको हार्ट की इतनी सारी जो चीजें वो पता चल जाती है, ठीक है, किसी वेल्व में डिजीज तो नहीं है, कौन सी वॉल में मोशन प्रॉब्लम है, वॉल जो है सारी सही मूव कर रही है कि नहीं, हाइपोकाइनेसिया तो नहीं है किसी वॉल में, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है कि एक दफा जब वेंट्रिकल्स पंप करते हैं तो कितने परसेंट ब्लड वो ब्लड वेसल्स में पंप कर देते हैं और कितना पीछे रह जाता है। शुड बी अच्छा इंजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 70% होता है और 50-70 इसकी रेंज है, 50% से कम इंजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो कम है, ठीक है, लोगों का 20% भी होता है, 35% भी होता है, तो ये हार्ट फेलियर कुछ होता है, ठीक है। तो ईसीजी में हम क्या क्या चीजें, अनस्टेबल एंजाइना जो है उसमें ईसीजी चेंजेस जो है, अच्छा अब एंजाइना में ड्रॉप टी ड्रॉप आई नहीं बढ़ते, कार्डिक एंजाइम्स कभी भी रेज नहीं होते एंजाइना में, और एम आई में जरूर रेज होते हैं जब पेशेंट उसी टाइम प्रेजेंट करे। अच्छा, अनस्टेबल एंजाइना में ड्रॉप टी ड्रॉप आई नॉर्मल होंगे, स्टेबल एंजाइना में तो होंगे ही नॉर्मल, तो ईसीजी नॉर्मल भी हो सकती है या एस टी डिप्रेशन हो जाएगा, एस टी सेगमेंट में आपको आगे दिखाती हूँ। एस टी डिप्रेशन हो सकता है कि ना हो, और हो सकता है कि ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल हो, तो ये होगा अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है, इसको फिर हम क्लिनिकली डायग्नोज करेंगे। और नॉन एस टी एलिवेशन एम आई में ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन आई हर तरह के एम आई में, एम आई है तो ये जरूर रेज्ड होंगे, तो रेज ट्रोपोनिन होगा, ठीक है। एस टी डिप्रेशन जो कि पीछे भी हमने देखा, और कैन बी नॉर्मल पॉसिबल टी वेव इन्वर्जन, यानी इसी चेंजेस आएंगे लेकिन एस टी एलिवेशन नहीं होगा, इसी जी चेंजेस विल बी देयर बट देयर विल बी नो एस टी एलिवेशन। एस टी सेगमेंट का डिप्रेशन हो सकता है बट एस टी एलिवेशन नहीं होगी, जबकि एस टी एलिवेशन एम आई में क्या होगा, एस टी एलिवेशन होगी। हाइपर एक्यूट टी वेव का क्या मतलब होता है, बड़ी बड़ी टी वेव, नॉर्मल से बड़ी बड़ी टी वेव, हाइपर एक्यूट टी वेव। न्यू लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये एक ऐसी फाइंडिंग है, इसको भी एस टी एलिवेशन ही समझना चाहिए अगर ये नई फाइंडिंग है, अगर कोई पुरानी सी जी भी है उसमें भी थी, पुराना है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये नई फाइंडिंग है तो फिर ये इसको एस टी एलिवेशन ही समझना चाहिए। टी वेव इन्वर्जन हो सकती है जो कि घंटों में आती है, क्यू वेव्स डेज में आती हैं। एस टी एलिवेशन हम किसको कहते हैं, लिम लीड्स में जब एस टी सेगमेंट 1 mm से ऊपर चला जाए और चेस्ट लीड्स में जब 2 mm से ऊपर चला जाए तो उसको हम एस टी एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कितने एस टी सेगमेंट का कितना ही ऊपर चले जाने को हम एस टी एलिवेशन कहते हैं, तो लिम लीड में 1 mm या उससे ऊपर चला जाए और चेस्ट लीड्स में 2 mm या उससे ऊपर एस टी सेगमेंट चला जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये एस टी एलिवेशन है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी वेव सबको नजर आ रही है। अब ये एस टी सेगमेंट है, ठीक है, और ये एस टी एलिवेशन है, साफ जाहिर है ना कि एस टी सेगमेंट के पी क्यू आर एस एस के स्टार्ट से लेके टी के स्टार्ट तक, ठीक है, ये जो एस टी सेगमेंट है इट विल बी एलिवेटेड इन एस टी एलिवेशन एम आई, ठीक है। और ये क्या, एस टी डिप्रेशन जो कि नॉन एस टी एलिवेशन एम आई में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, एस टी डिप्रेशन के नॉर्मल से वो नीचे है, ठीक है, और ये टी वेव इन्वर्जन ऐसी नजर आएगी, इसीमिया को जाहिर करती है, ठीक है, कुछ घंटों में ये चेंज आता है, सिर्फ अगर टी वेव इन्वर्जन है तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं, लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना कि क्लिनिकल और ईसीजी और इन्वेस्टिगेशन आपने सब चीज़ों को मिला के इंटरप्रेट करना होता है, तो आप जो है इसको 100 ECGs जब पढ़ेंगे तो आपको ईसीजी पढ़नी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंशन, अब आप खुद ही बताएं, पीछे आपने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, तो अब आप एक एक बच्चा जो है एक एक प्रिवेंशन बताए, इधर से डाइट को मॉडिफाई करें, कैसी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें जैसे जिस पे कोलेस्ट्रॉल कम हो, ठीक है, वो उसमें क्या आता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है,
तो एक टाइम का खाना हम सब का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए, उसका बोल, ठीक है, ना सालन ना रोटी। गंदम के बारे में हदीस है कि गंदम बेहतरीन खाना है, बेहतरीन खाना गंदम है, तो उसको तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उसमें जो है ब्रॉन। लेकिन हम क्या करते हैं, गंदम का मैदा बना के खाते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं और उसकी प्रोसेस उसको करते हैं और फिर खाते हैं। तो ये जो प्रोसेस फूड होता है जिसमें कि ब्रॉन वगैरह बीट से निकाला हुआ होता है, इट इज अ रीजन फॉर इंटेस्टिनल कार्सिनोमा। क्यों? ये जो है प्रिपेयर्ड फूड है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टिन को बहुत कम मेहनत लगानी पड़ती है, पेरिस्टाल्सिस को ये कम करता है। जब पेरिस्टाल्सिस को कम करता है तो इंटेस्टिन की जो मोशन है, इंटेस्टिन की जो मूवमेंट है, उनका जो फंक्शन है वो कम होता है। जब ऐसा होता है तो इट प्रोड्यूसेस कार्सिनोमा। इंटेस्टिन की हेल्थ ये है कि आप सैलड खाएं, फ्रूट्स खाएं जिससे कि जिसको हजम करने के लिए, और ब्रॉन कंटेनिंग वीट खाएं जिससे कि फाइबर डाइट यानी ज्यादा से ज्यादा लें जिससे कि इंटेस्टिनल मोशन पेरिस्टाल्सिस ज्यादा हो, एंटी कॉन्स्टिपेशन और कार्सिनोमा का रिस्क को इस तरह की खुराक कम करती है। ठीक है, तो हेल्दी डाइट में ये चीजें आती हैं। इसके अलावा क्विट स्मोकिंग। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट पब्लिक सर्विस मैसेज या जो भी कह लें, अच्छी बात कहने में कोई शर्म नहीं है। ठीक है, इतनी हमारी कम्युनिटी में यंग जो पॉपुलेशन है वो चर्स पीती है, उसको मैरिजुआना भी कहते हैं। ठीक है, चर्स कहते हैं, मैरिजुआना कहते हैं, उसको कुछ और हैश भी वही होती है। ठीक है, इसके अलावा जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं और एब्यूसिव जो ड्रग है, ड्रग अब्यूज कह लें, ठीक है, और कुछ लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और कुछ लोग तो जुल्म की इंतहा करते हैं कि अल्कोहल को डाइल्यूट किए बगैर यूज करते हैं। वो तो खैर डायरेक्ट ही फांसी पर चढ़ने वाली बात है। तो एनी हाउ ये चीज़ें, और जो लोग ये सब चीज़ें कॉर्नरी आर्टरीज का बेड़ा गर्क करती हैं, ठीक है, जो यंग डेथ्स आपको देखने में मिलती हैं उनमें बहुत सी डेथ्स की ये चीज़ कॉज होती है। कोकेन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बेइंतहा महंगी है, तो उसको हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन एनी हाउ वो एक दफा लेने से मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकता है। यूरोप वगैरह में इन चीजों को, रिक्रिएशनल ड्रग्स को वो कर रहे हैं लीगल, तो इसलिए वहां के हॉस्पिटल्स अब एंजाइना एमआई के पेशेंट से यंग एज में भर गए। ठीक है, जाहिर है जब आप इस तरह की एक चीज को लीगल करेंगे तो पहले जो थोड़ा बहुत किसी को मुश्किल से मिलती थी या किसी को थोड़ा बहुत कोई लिटिगेशन का डर था वो भी नहीं रहता। ठीक है, तो आप पढ़ें कि यूरोप में किस तरह यंग लोग जो हैं लोअर एज ग्रुप के वो हॉस्पिटल में एंजाइना और एमआई के साथ जो है लेस देन 40 पे, ठीक है, लेस देन 35 पे आना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये पब्लिक सर्विस मैसेज है कि ये सब चीजें आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं कहती, लेकिन दे आर द कॉज ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। नंबर वन कॉज बन जाएंगी थोड़े अरसे में क्योंकि जितनी यूज हो रही है, और इतनी स्टेटिस्टिक्स तो मेंटेन होती नहीं हमारी कंट्री में, तो हमें तो पता चलता नहीं कि किस चीज की वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, कौन सा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है या रिस्क फैक्टर है जो क्या कॉन्सिक्वेंस लेके आ रहा है। लेकिन एनी हाउ मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें कॉर्नरी आर्टरी एथरोस्क्लेरोसिस और कॉर्नरी वेजोस्पैज्म, ये कॉर्नरी आर्टराइटिस जो हैश है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी करती है। अब मुझे बताएं कि जब वो इन्फ्लेमेशन सेटल होगी तो कॉर्नरी आर्टरी नॉर्मल रह जाएगी पीछे। ठीक है, उसका तो फाइब्रोसिस भी हो सकता है और वो टॉर्चुअस भी हो सकती है और वो बिल्कुल ब्लॉक भी हो सकती है, एक हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो ये चीजें हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है। लोगों को लगता है अल्कोहल सिर्फ लिवर पे अफेक्ट करती है, नहीं, आप इन सब चीजों के साइड इफेक्ट्स डिटेल में जरूर पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आपका ये काम है कि आप लोगों को इस चीज के बारे में, किसी को आप देखते हैं, देर आर डिफरेंट वेज, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, मरी में सेंटर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पे आप उस बच्चे बच्ची को दें आए कुछ अरसे के लिए तो वो ठीक हो जाता है। घर में उसको महीने के लिए बंद कर दें, ठीक हो जाएगा उसकी जिंदगी। अगर आपको चाहिए तो उसके साथ आप ये जरूर करें, अपना फर्ज जरूर पूरा करें, आगे जो उसने अपनी जिंदगी के साथ करना है तो करना है। सो दीज थिंग्स आर रियली वेरी वेरी डेंजरस फॉर द कॉर्नरी ब्लड सप्लाई, फॉर द मायोकार्डियम। एल्कोहल कार्डियोमायोपैथी होती है, छोड़ दें। अगर अल्लाह को जिंदगी मंजूर हो तो थोड़े अरसे में कुछ बेहतर हो जाती है, जो लोग पीते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, और खासतौर पर जो लोग पुअर न्यूट्रिशन के साथ उसको, गरीब लोग जो पीते हैं पुअर न्यूट्रिशन, क्योंकि जो थोड़ा इस तरह का तबका पीता है उसकी न्यूट्रिशन वो साथ बहुत अच्छी रखते हैं, तो उससे उनकी थोड़ी बचत। लोगों को होता है ना कि फलां तो इतने अरसे से ये काम कर रहा है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, तो ये है कि वो साथ डाइट इस तरह की लेते हैं, तो आप साथ डाइट उस तरह की नहीं लेते आप। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ें और लोगों को बताएं कि अल्कोहल सिर्फ लिवर को ही नहीं, कार्डियक डैमेज बहुत ज्यादा करती है, और जितनी अनडाइल्यूटेड होगी उतना ज्यादा कार्डियक डैमेज करेगी,
और ये हैश वैश सब ये कॉर्नरी आर्टराइटिस करते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरीज, और जब वो इन्फ्लेमेशन सेटल होती है तो कॉर्नरी आर्टरीज पीछे नॉर्मल नहीं रह जाती, ठीक है। और कोकेन का एक यूज कैन रिजल्ट इन टू वो वेजोस्पैज़म कर देता है बहुत सीवियर, एक टाइम का यूज जो है वो MI का बाइस बन सकता है, और MI एक दफा हो गया कार्डियक डैमेज इज देयर, अब जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, नंबर वन एरिदमिया, एरिदमियाज आर रियली डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग, हार्ट जो है वो पंप करना छोड़ दे, वेंट्रिकुलर एरिदमिया बहुत ज्यादा लाइफ जो है थ्रेटनिंग होता है, वेंट्रिकल्स ने पंप करना है वो पंप ही नहीं करेंगे, बस फ्लटर करेंगे, तो ब्लड प्रेशर कहाँ से आएगा, ठीक है, सडन डेथ फिर होती है, ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं, ट्रीटमेंट जो है वो हम डिटेल में हम पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक स्टेबल एंजाइना को, उसमें हमने कौन कौन सी ड्रग्स देनी है, GTN हमने कैसे देनी है, और इमरजेंसी में हमने कब जाना है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर अटैक्स में कौन सी मेडिकेशन यूज होती है, ठीक है, रिवास्कुलराइजेशन सर्जरी में क्या क्या ऑप्शन है, स्टेंटिंग एंड बाईपास ग्राफ्टिंग क्या चीज है, और अनस्टेबल एंजाइना का ट्रीटमेंट और मायोकार्डियल इंफार्क्शन का ट्रीटमेंट, ठीक है, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, कोई सवाल नहीं, चलिए। मैम वो आपने लिबियोल टैबलेट बताई थी, वो मिली नहीं कहीं से, तो उसे कोई अल्टरनेटिव बता दे। लिबियोल जो है उसके अंदर जो सॉल्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप किसी ब्रांड नेम से उसको पूछ लें, ठीक है। क्लोनिडीन? नहीं नहीं, क्लोनिडीन नहीं है, एक सेकंड में आपको उसका सॉल्ट बता देती हूँ। आपने कोई सवाल करना है बेटा तो सोच लें। वैसे लिबियोल के नाम से ही आप अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। सारी बड़ी फार्मेसी से पता की नहीं मिले, यहाँ इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके अंदर जो सॉल्ट है मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर आप उसको सर्च कर सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो किसी टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होती, किसी दूसरे शहर में किसी से पता कर लें, इस्लामाबाद से। आप लोगों के इंटरनेट आ रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा बेटा, मैं ना ये आपको देख के बता दूंगी, मेरे जहन में नहीं आ रहा। ठीक है, आई विल टेल यू लेटर इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।